ओके क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय शुभम इन हिज एनुअल एग्जामिनेशन आर शोन बिलो। ठीक है, शुभम ने क्या किया, मार्क्स लिए हैं कुछ उसने एनुअल एग्जामिनेशन में, तो वो नीचे दिखाया गया क्या क्या सब्जेक्ट क्या, हिंदी इंग्लिश मैथ्स और साइंस एसएसटी। तो मार्क्स क्या ऑब्टेन किया, मैथ्स हिंदी के कितने लिए हैं 63 और इंग्लिश के 75, मैथ्स के 90 और साइंस के कितने 72, एसएसटी के लिए 50 है। तो ये क्या लिया हमने, हम यहाँ पे लेते हैं, यहां से हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहां से ये इधर से हम इसको लेते हैं, ठीक है। क्लियर, और यहां से हम एक यहां से ले लेते हैं एक और, कितनी थोड़ी सी है, यहां से लेते हैं इसको, ओके जी हमारे पास आ गई, ठीक है, क्या आ गई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसे क्या कहेंगे हम, ये है हमारे पास क्या एक्स, ठीक है, ये क्या है वाई, इसके ऊपर एरो डाल सकते हैं, क्लियर, समझ आया। अब जो हमें पॉइंट देने नाम देने, देखो जो मार्क्स हैं, ठीक है, हम किस तरह से लेंगे इनके मार्क्स, जैसे काउंट कर लेते हैं, पहले देखो छोटी सबसे कम मार्क्स कितने 58 और सबसे हाईएस्ट कितने 90 है, तो क्या जहां से करेंगे, ये अगर होते हैं क्या 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम अपने मार्क्स, ये लिखा हमने क्या 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, समझे आप, ये क्या लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स, क्लियर, ये लिखना है। और जो नीचे है अभी क्या लिखी हम, इस तरफ लिखेंगे हम क्या हिंदी, ये स्पेस छोड़ी, इधर लिखते हैं हम क्या, इस जगह पे लिखते हैं हम हिंदी, ठीक है, हिंदी कितने मार्क्स हैं आपके, ठीक है, हिंदी लिख देता हूं मैं, वेट थोड़ा सा, ये लिया आपने, अब यहां पे क्या लिखेंगे हम, हिंदी लिखेंगे, बार बार ड्रा करने ना हमने इस जगह पे, कलर कौन सा ब्लैक, तो क्या आएगा, ओके ओके कंटिन्यू चल रही है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, हिंदी लिखेंगे यहां पे हम हिंदी, फिर क्या लिखेंगे इस पे, देखो इक्वल स्पेस होनी है, बराबर क्या होता है इक्वल स्पेस, जी सॉरी, फिर क्या इंग्लिश यहां पे लिखा हमने, शॉर्ट में लिखता हूं इसको मैं इंग्लिश को, ठीक है, फिर क्या आ गया हमारे पास मैथ, फिर क्या आ गया यहां पे साइंस, फिर क्या आ गया हमारे पास एस एस टी, ठीक है, ये क्या हमारे पास सब्जेक्ट, नीचे क्या लिख सकते हैं हम सब्जेक्ट आ रहे हैं, ओके। अब क्या करना है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, क्या हमें लाइन लेना, शेप लेना पड़ेगी, ठीक है, क्या है जैसे हिंदी कितने मार्क्स है 63, तो कहां है 60 है ना, अब दिख रहे हैं ना लाइन देखना 60 है, तो क्या है एक लाइन के 61 62 63 64 65 66 67 68 69 दिख रहे हैं ना, तो इट मींस हमें 63 लेना, तो कहां पे आएगा जी हमारे पास जे है पॉइंट जे 60 है ना, ये वाला पॉइंट 60 61 62 63 यहां से लेंगे हम, इधर से दिख रहा है ना आपको,
यहां से हम चलेंगे, ये हमारा साया क्लियर। फिर दूसरा इसके इधर से इधर ज्वाइन करेंगे हम, ठीक है, तो इसको ले लेंगे हम। कोई क्वेश्चन? जी मैडम हमारे पास, ठीक है। अब क्या दिया है इसको, जैसे जी इंग्लिश कितने 75 कहां पे आएगा, यू नो जेल 70 71 72 73 74 75 ये जगह पे आ रहा है, क्लियर। जेल लाइन ड्रा करिए हमने। एनी क्वेश्चन? ठीक है, फिर यहां से लेंगे हम, क्लियर। अब क्या दिया है मैथ्स ही कितने 90, कितने हैं 90, तो 90 यहां पे है ना, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ओके है। फिर यहां से इसको डाउन करेंगे हम, समझ आ रहा है आप लोगों को भाई? तो जी आ रहा क्लियर। अब क्या है साइंस, साइंस का कितने 72, यू नो 70, जे 70 और 72 कहां पे, ये 70 71 72 दिख रहा है ना यहां पे, जे क्या होना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 70 जे 70 और 71 72 जहां पे 71 72 जी आए, ओके। अब यहां से ओके ना, जी बोलो सर, क्लियर। फिर एसएसजी ने 58 कहां पे, ये 50 है ना, तो 58 कहां पे आएगा भाई, देखो 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ये वाला लाइन आएगी हमारे पास, क्लियर। आपने अपने ग्राफ पेपर पे ऐसे ही बनाना है, चला बता आपको, यहां से जे बना हमारे पास, क्लियर। इसको क्या लिखेंगे हम, ये कितना था 63, ये कितना बना 75, ये कितना बना 90, क्लियर, ये कितना बना 72 और ये कितना बना 58, क्लियर हुआ। ऐसे बनाना है हमने अपना ग्राफ, इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये एक्स एक्सिस मैंने सॉल्व कर दिया था, ठीक है, बार ग्राफ इस तरह से बनाते हैं, ओके। कोई डाउट? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।